के एसपी ग्रीन टाउन के ऑफिस के बाहर सहाफियों का एसएचओ थाना चुंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रात एसएचओ थाना चुंग ने सीनियर सहाफी जफर खोकर को 7 घंटे हब्स से बेजा में रखने के अलावा तशद्दुद और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी। मकामी सहाफी ने इंसाफ के लिए आज एसपी सदर ग्रीन टाउन आदिल मेमन को दरख्वास्त दायर कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर रंग मियां इलियास हमारे साथ मौजूद है। मियां इलियास बताइएगा क्या कार्रवाई अमल में लाई गई इस हवाले से। जी बिल्कुल, एसएचओ थाना चौक के खिलाफ एसपी ग्रीन टाउन ऑफिस के बाहर सहाफियों ने एहतजाज किया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात एसएचओ थाना चौक ने सीनियर सहाफी जफर खोखर को 8 घंटे थाने में हफ्ते बजा में रखकर हवालात में बंद कर रखा था। सहाफी पर पुलिस ने बिला वजह तशद्दुद किया और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी गई। मकामी सहाफियों ने इंसाफ के लिए एसपी सदर ग्रीन टाउन आदिल मेमन को दरखास्त दायर कर दी है। एसपी सदर ग्रीन टाउन ने अपने 33 भाइयों को बचाने के लिए मुतलका थाने के डीएसपी इकबाल शाह को इंक्वायरी का ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। मकामी सहाफियों ने एक वक्त से बताया कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, कि डीआईजी और डीआईजी लाहौर फौरी नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम करेगी। मियां इलियास आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।